आदरणीय उपस्थित जयंती का आप सबों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और इस महाधारणा में आप सबों का स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग आज बिता रहे हैं विभिन्न मुद्दे, विभिन्न गंभीर दशा के तहत हम लोग जीविका बिता रहे हैं। आज हम आदिवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और सारे विश्व के आदिवासियों का दुर्दशा इसी तरह है। साथियों, कई दशकों से वासीकरण के कारण हमें जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है और आदिवासी समाज अपनी परंपराओं, भाषाओं, संस्कृति के तहत हम लोग विशेष अपने स्वतंत्र जीवन को जीते हुए अपना खुद जीवन तय करते हैं। साथियों, लेकिन आज हम जल जंगल जमीन से हमारे को बेदखल किया जा रहा है। हमारे भाषा, हमारे अस्तित्व और हमारे पूर्वजों का पहचान हम लोगों को नष्ट होता जा रहा है। हर जगह हमें विस्थापित किया जा रहा है। साथियों, जो दुर्भाग्य की बात है, हर हम जल जंगल जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं। जल जंगल जमीन, जमीन जायदाद, संस्कृति, भाषा के द्वारा हम लोग वंचित हो जा रहे हैं। साथियों, जो एक हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। साथ इसी भावनाओं को लेकर हमारे विश्व, हमारे विश्व मानव अधिकार परिषद ने सोचा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, महासभा में हम लोग हमारे आदिवासियों के सुरक्षा संरक्षा के लिए एक घोषणा पत्र जारी करवाने हैं।